एंड वी हैव अ फाइव कॉमन राइट सो कभी भी ऐसे डाइस आ गए जहां पे दो फेसेस कॉमन हो ऑलवेज रिमेंबर ओनली एंड ओनली वन पेयर कैन बी फाउंड आउट ठीक है ओनली वन अपोजिट पेयर कैन बी फाउंड ठीक है एक ही पेयर आएगा विचवन उड बी दैट जैसे इस क्वेश्चन में दो तीन और पांच है तो कौन बचा इधर से बचा है वन और इधर से बचा है टू यही एक पेयर है जो आप श्योर शॉर्ट बता सकते हो कि ये अपोजिट पेयर होगा ठीक है सो फॉर श्योर कि वन के अपोजिट टू आएगा इसमें नाउ बचे हुए क्या जैसे बचा है तीन और लेट से पांच तीन के अपोजिट इट माइट बी फोर और सिक्स फाइव के अपोजिट इट माइट बी सिक्स और फोर डिपेंडिंग अगर तीन के अपोजिट चार हुआ तो पांच के अपोजिट छाइसे वर्षा ये वाला पेयर आप एग्जैक्ट निकाल नहीं पाओगे इनके दो पॉसिबिलिटीज होंगे राइट ये बेसिकली आप रोटेशन कर रहे हो डिग्री डिग्री कैन बी फ्रॉम द लेफ्ट और कैन बी राइट सो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं जब भी भी दो फेसेस कॉमन हो आउट ऑफ थ्री पेयर्स टोटल छ फेसेस है छह फेसेस का मैं पेयरिंग करूंगा तो तीन ही पेयर्स होंगे ना तीन पेयर में से एक्सैक्टली exactly एक ही पेयर है जो आपको पता चलेगा कि इसके अपोजिट ये है बाकी जो दो पेयर है इट कैन बी एनी ऑफ द क्रॉस वे ठीक है सो जस्ट रिमेंबर दिस दिस पॉइंट लेट सॉल्व सम ऑन सो क्लियर होगा सो दिसर्स्ट क्वेश्चन सिंपल वन हार्डली मैटर ऑफ फाइव सेकेंड सो क्या क्या कॉमन है यहाँ पे चार कॉमन है चार कॉमन है दो कॉमन है दो कॉमन है सो so पक्की बात है तीन के अपोजिट छ है यही एक लौता पेयर है जो आप निकाल सकते हैं उसने तीन के अपोजिट ही पूछा है तो तीन के अपोजिट फॉर श्योर इट इज सिक्स दैट इज फोर्थ ऑप्शन ठीक है आई होप दिस इज क्लियर वेरी सिंपल थिंग लेट्स अनदर क्वेश्चन ये बता इसका आंसर क्या होगा इट्स द सेम डाइस सिचुएशन राइट दो दो चार चार तो एक ही पेयर आएगा तीन और छ इसके बाद जो बचा दो और चार क्या हो सकता है दो के अपोजिट इट कैन भी क्या बचा है वन बचा है और फाइव है और चार, तो चार पांच के साथ जाएगा और वाई से बचता है अपोजिट क्या होगा दो के अपोजिट एक तो एक भी आ सकता है या फिर पांच भी आ सकता है ऑप्शन नंबर वन आई होप सबको क्लियर है बहुत ही सिंपल है कभी भी दो डाइसेस दिए हो और दो फेसेस कॉमन हो तो जो थर्ड इस डाइस का और थर्ड इस डाइस का जो बचेगा वो अपोजिट में आएगा ठीक है सो नाउ लेट्स टेक द वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले गाइज़ अगर आप एम बी एस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो गाइज़ आप एक्सपर्ट एच के गेट सी गो इस बैच को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो एंड अपने प्रिपरेशन को एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे सकते हो इस बैच में गाइज़ एम बी का पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया जाने वाला है साथ ही में जो महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज है जे बी उसके जो एलमिना है वो भी गाइज़ आपको इस बैच में जो है वो गाइड करेंगे एंड अपने जो ट्रिक्स है वो आपके साथ शेयर करेंगे इस बैच की अगर मैं आपको हाईलाइट्स दिखाऊँ तो गाइज़ यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें वो पढ़ने मिलने वाली है जैसे क्वार्स रीजनिंग वर्बल ये तो सारी जो चीज़ें है वो एकदम डिटेल में आपको यहाँ पे जो है वो पढ़ाई जाएगी साथ ही में गाइज़ यहाँ पे आपको हंड्रेड प्लस टॉपिक वाइज प्लस जो सेक्शनल मॉक टेस्ट है वो भी मिलेगी जिससे आप एक स्पेसिफिक सेक्शन की जो प्रैक्टिस है वो और भी अच्छे तरीके से जो है वो कर पाओगे साथ ही में यहाँ पे आपके सी के जो वर्कशॉप्स है वो भी होंगे जिसमें शॉर्टकट्स के बारे में स्पेसिफिकली जो है वो डिटेल में बताया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में जो है वो बताया जाएगा एंड काफ़ी सारी जो स्ट्रैटेजीज़ है वो भी आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी साथ ही में यहाँ पे आपको गाइज 15 फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है वो भी मिलेंगे जिससे गाइज एक्चुअल पेपर जैसा होता है उसकी जैसे पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जिससे आप अपनी ओवरऑल जो प्रैक्टिस है वो और भी अच्छे तरीके से जो है वो कर पाओगे साथ ही में जे बी के जो मैंटर्स है वो तो यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आपको सिलेबस एंड कौन से कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे उनके बारे में जानना होगा तो इनके वेबसाइट पर गाइज आप देख सकते हो डिटेल में सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है वो बताए हुई है इनके बैच में गाइज एनरोल करने के लिए अभी आप देख सकते हो बाय कोर्स पे एट थाउजेंड रुपीज की जो प्राइस है वो आपको देखने को मिलेगी बट अभी गाइज यहाँ पे सेवेंटी फाइव परसेंट का जो डिस्काउंट है वो चल रहा है तो अभी अगर आप बाय नाउ करते हो एंड चेक नाउ के चेकआउट के बटन पे क्लिक करते हो तो यहां पे गाइज नेक्स्ट जब आप करोगे तो यहाँ पे गई आपको के एस का जो प्रोमो कोड है वो मिलेगा इसके ऊपर अप्लाई कर देना है तो यहाँ पे आपको 75% का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा एंड ऑलमोस्ट टू थाउजेंड के आसपास पास में आप इस बैच में जो है वो एनरोल करके अपने प्रिपरेशन को एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे सकते हो तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारी जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर अगर कोई इंक्वायरी करना है तो आप इनके वेबसाइट पर जो है वो कर सकते हो ठीक है लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ठीक है एग्जाम में जान के आपको तीन चार कभी कभी पांच भी फिगर देते हैं ठीक है सो तो आपको सारे फिगर देख के नहीं निकालना आंसर एक ही फिगर का अलग अलग अरेंजमेंट से दिया है आपको सिर्फ कोई भी दो उठाना फट से आंसर दे देना है सो so, यहाँ भले ही तीन दिया इफ आई लुक एट एनी ऑफ द टू फिगर कोई भी कॉम्बिनेशन देख लो क्या आंसर आता है सो इफ आई लुक एट दिस थिंग आखिरी वाले दो इससे क्या आएगा ये ई e है ये ई e है ये डी है ये डी है फॉर श्योर वन पेयर आई गॉड दी शुड बी अपोजिट क्या सेकेंड ऑप्शन जरूरी नियम को फर्स्ट डाइस यूज करना ही था ठीक है दूसरे मेथड से आप कर भी सकते हो बट फोकस ऑन दिस इज जो हम सीख रहे उसको हम यूज करने की कोशिश कर रहे ट्राई दिस क्वेश्चन इज आस्किंग वॉट इज मैं पहले दो लेटर दे, आ, देखो कुछ कॉमन है इसमें कुछ नहीं है सो ए so बचा उधर जी बचा श्योरली एज टू बी अपोजिट टू जी तो जी के अपोजिट पक्की बात ए आएगा दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन ठीक है सो आई होप दिस इज क्लियर बहुत इजी चीज है जस्ट आपको अच्छे से नोट्स बना लेने बस उदी को बार बार रिवाइज करो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो यू विल गेट द हैंग ऑफ इट पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन Yeah, uh, so ये ये दूसरा यह ये तीसरा क्यूब है थर्ड क्यूब का बॉटम मतलब अपोजिट टू फोर सो वॉट इज ही आस्किंग चार के अपोजिट क्या होगा राइट right? ये टॉप पे फोर है तो बॉटम सो जस्ट वही सॉल्व करना लेट सी

नाउ टेल मी टोटल छह छह लोग थे faces थे फेसेस उस उसमें से तीन पेयर बनेंगे तो ऑलरेडी मुझे दो पेयर पता चल गए राइट right? ये चार लोगों में से ये दो कपल है तो आखिरी के जो दो लोग बचे होंगे वो भी फॉर श्योर कपल होंगे अपोजिट पेयर ही होगा सो so, इधर क्या बचा है एक बचा है चार और एक बचा है छह फॉर श्योर दिस हैज टू बी पेयर सो ये तीन पेयर ऑफ अपोजिट है वन इज अपोजिट टू टू थ्री इज अपोजिट टू फाइव फोर इज अपोजिट टू सिक्स एंड उसने पूछा है फोर के अपोजिट क्या है के अपोजिट फॉर श्योर इज डी ऑप्शन आई होप सबको क्लियर है किस टाइप से क्वेश्चन आता है यू कैन यूज दिसवेंटीन क्वेश्चन प्लीज ट्राई एन आंसर दिस गाइट ठीक है सो इफ यू लुक एट हियर ये छे डॉट्स है छॉट्स है ठीक है ये तीन है ये भी तीन है बचा क्या इधर बचा दो इधर बचा चार ये दो और चार क्या होगा ये पक्की बात अपोजिट पेयर है ठीक है दिस इज फॉर श्योर अपोजिट पेयर सो वॉट इज दी आस्किंग इफ दिस डाइस इज रेस्टेड ऑन द साइड ऑफ विद द द्री डॉट्स वॉट विल बी द नंबर ऑफ डॉट्स टॉप तो अगर इसका रेस्ट रेस्ट मतलब बॉटम तो अगर बॉटम में थ्री डॉट्स है राइट right? तो उसने पूछा है टॉप पे क्या होगा सो बेसिकली थ्री के अपोजिट पूछा है राइट right? अब भी हमने देखा था जब भी दो फेसेस कॉमन होते तो आप सिर्फ एक ही पेयर खोल सकते हो एक पेयर हमने खोल दिए दो और चार पक्की बात अपोजिट होगी बचा क्या तीन और छे. तीन और छ इनके अपोजिट क्या हो सकता है कुछ भी जो भी बचा दो गया चार गया तीन गया छह गया कौन बचा एक और पांच सो so, तीन के अपोजिट इट कैन बी वन और फाइव विद द सेम लॉजिक सिक्स के अपोजिट कैन बी फाइव और वन

ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग अबाउट अपोजिट फेसेस अपोजिट फेसेस के बारे में ये वाली याद रखना. What? कोई भी अपोजिट पेयर हो अगर ये है अगर मेरा हाथ ऐसा है तो आपको पीछे का नहीं दिखेगा है ना इथ द सेम थिंग अपोजिट फेसेस कैन नेवर भी दर कभी भी अपोजिट फेस साथ में दिखेंगे नहीं विद सेवर बी ठीक है मेराज में लिख रहा हूँ बट स्टिल रिमेम्बर गायब टूगेदर कोई भी अपोजिट पेयर है एक साथ वो दिखेगा भी नहीं और एक साथ गायब भी नहीं होगा ठीक है What क्या ये मतलब सबको समझ में बिकॉज अगर आपने एक पेयर पूरी तरह गायब कर दिए तो बचे हुए चार पेयर को आपको उन्हीं चार जगह में एडजस्ट करना पड़ेगा कोई तो रिपीट होगा विच नॉट पॉसिबल ठीक है सो बस इतना फंडा याद रखो कोई भी अपोजिट पेयर आपको पकड़ में आ गया उस वो दोनों पेयर एक साथ आप दिखा भी नहीं सकते दोनों एक साथ उड़ा भी नहीं सकते दोनों में से एक दिखना कंपल्सरी है ठीक है सो वट इज द यूज ऑफ दिस सी इन द क्वेश्चन ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सो so, दो डाइसिस का एक इमेज दिया है और उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट दिस सो so, अगर आप यहां देखोगे कि कितने फेसेस कॉमन है ये दो गया दो गया चार गया चार गया तो तीन और छ बस यही एक पेयर आप निकाल सकते हो राइट दिस इज द ओनली अपोजिट पेयर जो आप ओपन कर सकते हो तीन और छे अपोजिट पेयर की खास बात अभी हमने क्या बताया था अपोजिट पेयर साथ में दिखेगा भी नहीं अपोजिट पेयर साथ में गायब भी नहीं होगा सो कैन फर्स्ट आंसर बी द ऑप्शन नो बिकॉज अपोजिट पेयर है तीन और मुझे साथ में दिख रहा है तो ये तो पक्की बात आंसर नहीं हो सकता कैन सेकेंड बी माई आंसर तीन और अपोजिट पेयर है पूरी तरह गायब है ना तीन दिख रहा है ना छे दिख रहा है ये भी पक्की बात नहीं हो सकता सिमिलरली सी ऑप्शन में भी ना तीन है ना छात्र नहीं हो सकताइज इफ यू गो बाई विजुअलाइजेशन मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इट्स रियली ट्रिकी वन ठीक है बहुत कंफ्यूजन uh, होता है उसमें सो आई होप दिसंट इज क्लियर ये वाला पॉइंट याद रखना है. एक और क्वेश्चन देखते इसपे प्राइविस

यहाँ पे एफ दिख रहा है बी नहीं है बज गए यहाँ बी और एफ दोनों आंसर टू बी सी ऑप्शन ठीक है सो आई होप दिस इज क्लियर सो वी हैव डन द टाइप वन क्वेश्चन वेर टू फेसेस आर कॉमन एंड उसका जो भी रिलेवेंट ट्रिक था वी हैव विद अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे जहां पे आपको एक ही फेस कॉमन दिया होगा ठीक है थैंक यू गाय जय हिंद